हाँ, तो ब्राह्मण तपस्या करके उसकी शक्ति होती है, उसको भगवान ने प्रतिनिधि बनाया है। जैसे कि आपको अगर कहीं मनी ऑर्डर भेजना हो तो कहाँ जाना चाहिए? पोस्ट ऑफिस वाले चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं हमारे पास आओ, नहीं हम तुम्हारा मनी ऑर्डर भेजेंगे आपको, नहीं नहीं तेरे पास नहीं जाएंगे। तो इसीलिए भगवान ने ब्राह्मण बनाया कि वो आपका क्या ले सके, पाप ले सके। परंतु अगर वो मनी ऑर्डर कोई पोस्ट ऑफिस खोल ले, उसमें एस गायब कर दे, पोस्ट ऑफिस, अब आप जा रहे हो, ओह यार लाल है पोस्ट ऑफिस है, ले जी मनी ऑर्डर भेजना जरा मेरा, पता लगा खा गया पैसे, क्या कर गया। परंतु कितने दिन खाएगा, पकड़ा जाएगा। इसी तरीके से ब्राह्मणों का विनाश क्यों हुआ? उन्होंने दान लिया तो, परंतु तपस्या थी नहीं जिसके कारण कि वो कर्मों को फल को जला के खत्म कर सके। वैष्णव के साथ प्रॉब्लम ये नहीं होती क्योंकि वो सब कुछ किसको अर्पण कर देता है, भगवान को। ब्राह्मण इसलिए मारा गया, ब्राह्मण, और फिर वो ब्राह्मण पदवी से गिर गया तो आप उसको दान भी देते हो तो वो दान है ही नहीं, वो दान है ही नहीं। आप ये सोचोगे मैं पैसे पटकाया, मैंने दान दे दिए, ये आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। किसको नहीं, उसको इफेक्ट। अब वो दे आया, ब्राह्मण था नहीं, उसने उससे पता लगा कि मैं तो, मेरे को तो एक ब्राह्मण पहले थे हमारे यहाँ ही काम करते थे, उसने मुझे बताया कि मेरा मुसलमान दोस्त है, उसके यहाँ एक पुजारी है एक मंदिर का, वो आके नॉनवेज खाता है। बोला वाह क्या नॉनवेज बनता है तेरे यहाँ, तब उसको आपने दिया, उसने नॉनवेज बना के खाया तो आप भी गए, तो आपको भी लगा पाप। हाँ जी नहीं, परंतु ब्राह्मण का कार्य दान लेना, अगर ब्राह्मण मना कर रहा है दान लेने से तो वो फिर ब्राह्मण नहीं है। आज अगर आप कहीं एप्लीकेशन डालने जा रहे हो कि पानी की एप्लीकेशन डालनी है और वो कहता है पानी वाला मैं तो एप्लीकेशन लेता नहीं, वो पागल कहेंगे मेरा कनेक्शन कैसे आएगा। परंतु अगर ब्राह्मण है तो इसीलिए तो ब्राह्मण से श्रेष्ठ कौन है? वैष्णव। परंतु वैष्णवों में भी ब्राह्मण ही अलाउड है दान लेने के लिए, गृह बाकी वैश्य ब्राह्मण या क्षत्रिय ब्राह्मण, सॉरी वैष्णव वैश्य या वैष्णव क्षत्रिय या वैष्णव शूद्र, ये दान नहीं ले सकते हैं। हाँ ब्रह्म जानती थी ब्राह्मणा, परंतु वो कर्मकांडी भी हो सकता है। तो वैष्णव ब्राह्मण श्रेष्ठ हो गया ना, वैष्णव ब्राह्मण श्रेष्ठ हो गया क्योंकि दान लेना दान देना, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना। आजकल ब्राह्मण अपने लिए यज्ञ कहाँ करते हैं, दूसरों यजमान का यज्ञ करने आते हैं। उनसे पूछो तुम्हारी तुम लोग की साधना क्या है, जबकि पहले जो ब्राह्मण थे वो घर में सुबह अपना पूरा पूजा पाठ 2-3-4 घंटे का पूजा पाठ करते थे, वो इसीलिए करते थे। ये थोड़ी है ब्राह्मण का काम है सिर्फ तू जाके दूसरों को उसके वो करा दे यज्ञ या दूसरों जाके पूजा पाठ कराए। तेरा अपना पर्सनल कहाँ है साधना, तेरी पर्सनल तू चैंटिंग कर रहा है, माला जपते थे सब कुछ करते थे, तो अब नहीं। अभी ये नहीं कह रहा कि नहीं है, मतलब ये है कि मतलब वो कहीं बिहड़ गांव में मिलेंगे ऐसे लोग आपको, वो नहीं आते शहर में, उन्हें पैसे वैसे का वो नहीं है, लोभ नहीं है, उद्योग आपने दे दिए जितने वो देखते भी नहीं है, ठीक है। दूसरे तो कितने दिए, ए क्या है ये इतने कम दे दिए, ये कर दिया वो कर दिया, झगड़े शुरू। आज करना ही पड़ता है क्योंकि यजमान भी बदमाश हो गया, वो भी बिजनेस करता है, उसको 3 घंटे रगड़ा 100 रुपये पकड़ा दिए। अब 100 रुपये तेरे लेबर भी नहीं लेगा, तेरे जूते मारेगा तेरा लेबर भी, उसे टमाटर कटाएगा तो ले लेगा ज्यादा 100 रुपये टिका दिए उसको। हाँ संतोषी का मतलब क्या है, उसका पेट नहीं है, है? संतोषी का मतलब क्या। तभी फिर ब्राह्मणों ने कहा यार इनको तो उतारनी पड़ेगी इनकी, तो फिर वो क्या करते हैं, अरे आप पे तो शनि भारी पड़ा हुआ है, 25,000 रुपये का
ढाई लाख यजमान को देखकर, जो भी ब्राह्मण जब घर में घुसता है पहले घर देखता है, इसी कटाई ऐसे होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर, youtube.com/divgeeta, लाइक आर पेज, facebook.com/divgeeta, कॉन्टैक्ट अस +91 92 1053 1053, www.givegeeta.com, contact@givegeeta.com.